हेलो गाइस, जय माता दी। आप अभी मैंने पूजा की है, आप लोग भी कर लीजिए दर्शन माता रानी के। तो अभी अभी मैंने पूजा करी है, वैसे यहाँ पे मैं आप लोगों को दर्शन करा रही थी, जोत जल रही है, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो और आपको चौथे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। और यहाँ मैंने कुछ पौधे लगाए हैं, वो आपको दिखा रही थी। नहीं, यहाँ पे कुछ मनी प्लांट लगाई है, कुछ पौधे लगाए हैं मैंने यहाँ पे, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैंने कहा इस तरह से मैंने कुछ लगाए हैं, और यहाँ बाहर भी कुछ लगा रखे हैं पौधे, इस तरह से बाहर लगा रखे हैं। अभी क्योंकि पेंट का काम हो रहा था ना, इसलिए इधर से उधर हो रहा था। और देखो मैं अपनी किचन दिखा रही थी, ये घर दिखा रही हूँ, पेंट के कारण कितना फैला हुआ है। देखो ये वाला रूम भी कितना फैला हुआ, सारा घर मतलब मैसी पड़ा है इधर से उधर। देखो कितना बहुत ज्यादा ही मैसी हो रहा है, तो मैं आपको दिखा रही थी। और ये मैं पहुंची किचन, तो किचन में भी दिखा रही थी कैसे फैल रही है। तो यहाँ मैंने आज किचन की सफाई भी करने आ गई थी, मैंने कहा चलो साथ के साथ फैला तो हुआ है। मैं आपको यहाँ पे हेलो कर रही थी, तो यहाँ पे किचन फैली हुई है किचन। तो मैं आपको यहाँ पे तो अपने जो डिब्बे डिब्बे वगैरह होते हैं उनको साफ कर रही थी, मैंने कहा चलो साथ के साथ इनको साफ कर लेती हूँ। तो मैं उनको साफ कर रही थी, तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी। मैं यहाँ पे अपनी किचन की क्लीनिंग भी साथ के साथ करती जा रही, क्योंकि किचन का पेंट हो चुका था, तो मैं किचन की क्लीनिंग में लग गई थी। मैंने कहा साथ के साथ किचन क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो यह मैं अपने यहाँ पे डिब्बे वगैरह साफ कर रही हूँ, तो वही दिखा रही थी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ इसको।
डिब्बे वगैरह तो सब साफ हो गए, और यहाँ पे मैं साफ करने के लिए आ गई हूँ स्लिप, तो मैं यहाँ स्लिप साफ कर रही थी, और यहाँ पे मैं टाइल्स वगैरह भी साफ कर रही थी। यहाँ पे बहुत पेंट लगा था, इनको मैंने साफ कर दिया, बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो गई है, तो मैं इनको साफ करी। बस मैंने इसमें क्या करा, जूने में थोड़ी सी सरफ लगाई थी, और उसी से ये एकदम बहुत एकदम साफ हो गया, बहुत ज्यादा एकदम चमकने लगी टाइल्स मेरी, इतने इतने अच्छे से एकदम क्लीन कर दी मैंने ये सारी टाइल्स, और फटाफट से थोड़ी से जूने में थोड़ी सी सरफ लगा के फटाफट से रगड़ दो तो फटाफट से साफ हो जाती है। तो मैंने इस तरह से अपनी ये टाइल्स और स्लिप साफ कर ली थी, एकदम बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गई थी। देखिए मैं किस तरह से कर रही हूँ, और साथ में मैंने पाइप भी लगा रखा पानी की, बार बार पानी ना लेना पड़े, इस तरह से मैंने पाइप लगा लिया था। और देखिए वैसे भी साफ पानी पानी है, फिर भी देखो एकदम साफ दिख रही है मेरी टाइल्स और स्लिप, बिल्कुल साफ दिख रही है, क्योंकि साफ मैंने कर ली है, मैंने आपको दिखा रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने अपनी टाइल्स और स्लिप साफ करी है, तो आप लोग देख लीजिए मैंने किस तरह से साफ करी। मैंने टाइल्स और किचन साफ स्लब साफ कर दी, देखिए बिल्कुल टाइल्स भी साफ हो गई। और अब मैं ना खाना बनाने आई हूँ रसोई में, और मैं यहाँ पे खाना बनाऊंगी रसोई में, तो मैं खाना बनाने के लिए रसोई में आ गई हूँ यहाँ पे, तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे साबुदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। मैंने ये ना पहले ही बॉइल करके रख रखे थे 5-6 घंटे पहले, भिगो के रख रखे थे 5-6 घंटे पहले, भिगो के रखे थे, और पानी में से दो की मैंने इधर रख ली है। और इसके लिए ये टमाटर काट लिए मैंने छोटे छोटे, और हरी मिर्ची और धनिया और आलू है, ये मैं ना मूंगफली नहीं डालूंगी, मूंगफली मान नहीं खाते, इसलिए मूंगफली नहीं डालूंगी। और मैंने इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो और इधर कुकर में मैंने ना आलू भी बॉइल कर लिए हैं, और मैं इधर मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दी है, तो इसमें मैं डाल दूंगी तेल, तेल क्या रिफाइंड है वो डाल दूंगी, आप घी वगैरह में घी में भी बना सकते हो, रिफाइंड में भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड से डाल दिया, और ये इसमें मैं जीरा डालूंगी, तो ये अब मेरा जीरा भी हो गया है। थोड़ा सा जीरा हो जाता है तो इतने इसको करती है, और आप लोग बताना। तो मैं आज आपसे सुबह से अभी मिल रही हूँ, किचन की क्लीनिंग में लग रही थी ना, तो अब मिल रही मैं आपसे, तो किचन की मेरी क्लीनिंग तो हो ही गई है, और मैं इसको काम कर रही थी बीच में, मैंने कहा चलो आपसे बातें भी करती थी। और मैं इसमें डालूंगी हरी मिर्ची। आप लोग कैसे बनाते हैं जरूर शेयर करना। टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च डाल दी, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं, और बहुत टेस्टी भी लगती है खाने में। और ये नमक नहीं, नमक सेंधा नमक है, ये बर्त वाला नमक, नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो इसलिए नमक काली मिर्च नमक का ही प्रयोग कर रही हूँ। और इसमें मैं कहूँगी डाली मूंगफली, क्योंकि मूंगफली हम लोग खाते नहीं, तो इसलिए मूंगफली मैं इसमें नहीं डालूंगी, अच्छे से सीख जाता है। तो मैं इसमें आलू डाल दूंगी, तो इसमें मैं आलू ऐड कर दूंगी, और इधर पतले पतले आलू काट के इन्हें फटाफट से गल जाएंगे। देखिए गलने में भी आ गई फटाफट से। अब इसमें ना मैं क्या करूँगी, थोड़े सा इसको ढक के रखूंगी, हल्का सा पानी डाल के, जिससे ये फटाफट से सीज जाए। इसमें मैं ढक के रख देती हूँ। तो आलू यहाँ बन गए, मैंने देख लिए थे आलू, और तो मैं इसमें ये डाल दूंगी, साबुदाने डाल दूंगी मैं इसमें, और इसको अच्छे से मिला दूंगी। बहुत ही आसान तरीके से जब बन जाती है ये, इसमें पानी मिला दूंगी।
मैं इसको ढक के रख दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ बनाने आगे में रायता, तो ये मैंने दही ले लिया है और इसको मैं पेटूंगी अच्छे से। और यहाँ पे मैंने आलू बॉइल करे थे ना, उसका मैं रायता बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने आज दही फेंट लिया और इसमें मैं डाल दूंगी आलू। प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ना सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना मेरी वीडियो को। ज़रा भी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दे देना। तो यहाँ मेरा रायता है, इसमें मैं थोड़ा पानी डालूंगी क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा है, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। बस पानी में इसमें इतना ही डालूंगी। बस में ना ये वाला रायता बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये वाला ही रायता बनाती हूँ। और इसमें नमक डाल दूंगी, कोई नमक खाता नहीं है लेकिन हम नमक खाते हैं तो इसमें। और इसमें काली मिर्च डालूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग काली मिर्च। तो यहाँ मेरा रायता बनके तैयार हो गया। इसमें और कुछ नहीं, बस थोड़ा धनिया डालूंगी, हरा थोड़ा सा हरा धनिया। तो यहाँ मेरा रायता बनके तैयार हो गया है। तो गरम गरम खिचड़ी और रायता खाने के लिए आ जाइए आप लोग भी। तो मेरा तैयार हो गया है खिचड़ी और रायता, तो आप लोग भी आइए खाने के लिए। तो मैं देख के आ रही हूँ बच्चों को। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, तैयार है बिल्कुल। तो लीजिए आप लोग भी खा लीजिए खिचड़ी और रायता। तो एवरीवन में ये नेक्स्ट डे का है, तो मैं यहाँ पे ना फ्लोर क्लीन करने के लिए आ गई हूँ। तो मैंने इसको यहाँ पे किचन की फ्लोर क्लीन करी थी, तो मैं उसे साफ़ करने के लिए आ गई। और यहाँ पे भी मैंने सिर्फ सर्फ डाल लिया और जूना लिया है और उससे मैंने अपने यहाँ की किचन की फ्लोर बिल्कुल एकदम क्लीन कर दी। जो पेंट वगैरह लग रहा था ना वो बिल्कुल साफ़ कर दिया और ये बहुत ही साफ़ हो गई। और तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरी वीडियो को शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखो जहाँ जहाँ पेंट लग रहा है, मैंने सारे पेंट को बिल्कुल हटा दिया था। तो आगे बस मैं आपको यहीं पर ही बाय बाय कहती हूँ और मैं आपसे अगली वीडियो मिलूँगी। जय माता दी।